कह रहा है कि इफ इन द एपी सम ऑफ एन टर्म एन स्क्वायर क्यू है, एम पर्म का यहाँ पे एम स्क्वायर क्यू है, ऐसा डिनोट द सम ऑफ द आर टर्म, देन एस क्यू टर्म क्या होगा। अभी तो ये हमने क्वेश्चन बनाया था ना जी, सेम क्वेश्चन है ये आपका 20 नंबर ही सेम क्वेश्चन था, इसी वीडियो में हमने देखा था, जो कि क्यू क्यूब के इक्वल आ रहा था, है ना जी। तो इसको बनाने की क्या जरूरत है, ये मैं रहने देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एस एन डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, देन उसके बाद क्या कर रहा है, इफ एस टू एन यानी फर्स्ट टू एन टर्म का सम इक्वल है थ्री टाइम्स ऑफ फर्स्ट एन टर्म का सम, तो हमें थ्री एन टर्म का और एस एन टर्म के रेशियो क्या होंगे ये हमें इक्वल ये बताना है कि इसके इक्वल होगा। चलिए इसके लिए आपका हो जाएगा 2n/2 प्लस का 2n-1 में भी, और इसके लिए क्या हो जाएगा n/2 प्लस का n-1 में डी। चलिए देखिए n/2 से n/2 यहाँ कट कर देते हैं, अब अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4a प्लस का क्या आ जाएगा 4nd माइनस का 2d, आगे ये 3 मल्टीप्लाई करते हैं 6a प्लस का 3nd और माइनस का 3b, इसको आपको उधर लेके चलते हैं, तो 0 इक्वल टू में 6a प्लस का 3nd माइनस का 3d इक्वल टू में इधर हो जाएगा आपका कितना, इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 4a माइनस का 4nd फिर माइनस माइनस प्लस का 2d, यानी आ जाएगा 2a माइनस का nd और प्लस का यहाँ पर सॉरी माइनस का d होगा, ठीक है ना जी, माइनस का d होगा और इक्वल टू में 0। तो यहां से अब देखो 2a और यहां पर आपका एक काम करते हैं माइनस यहाँ n माइनस और d कॉमन कर लेते हैं, n प्लस 1 हो जाएगा, यानी यहां से 2a जो होगा इक्वल हो जाएगा n प्लस 1 इंटू में डी के। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म और nth टर्म का रेशियो निकालना है। तो ऊपर इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में डी, यानी n के जगह पर 3n है। चलिए उसके बाद देखिए और इसका n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में डी, यही ना है जी। तो यहां से n/2 कट गया, 3 अंदर 2a का वैल्यू क्या है n प्लस 1 इंटू में डी, और यहां 3n माइनस का 1 इंटू में डी, यहां पर देखिए 2a का वैल्यू, तो n प्लस 1 इंटू में डी और प्लस का है n माइनस 1 इंटू में डी, ऊपर d कॉमन नीचे d कॉमन, 3 अंदर से d कॉमन करेंगे तो n प्लस 1 और 3n माइनस 1 बाहर d आ जाएगा, n प्लस 1 n माइनस 1 और इंटू में यहाँ बाहर d आ जाएगा, d से d कैंसिल, यहाँ 1 से 1 यहाँ भी 1 से 1, ऊपर आ जाएगा 3 इंटू में 4n और नीचे आ जाएगा 2n, इससे ये कट जाएगा ये 1 और यहाँ पे 2, तो 6/1, तो 6/1 यानी कि 6 हो गया, है ना जी, 6/1 यानी कि 6 हो गया। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 का यहाँ पे बी नंबर्स, है ना जी। चलिए क्वेश्चन 24।